Hey folks, welcome to Green Kitchen Recipes. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर हम किशमिश कैसे बना सकते हैं। बाजार से लाई हुई किशमिश एक्सपेंसिव तो होती ही है, साथ ही उसे बनाने में काफी प्रिजर्वेटिव्स भी यूज होते हैं जिससे कि वो खराब ना हो। तो आज हम देखेंगे घर पर किशमिश बनाने का आसान तरीका जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। किशमिश बनाने के लिए हमने ले लिया है 400 ग्राम अंगूर, जिसे हमने 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। हमने अंगूर लंबे साइज के लिए हैं, जिससे हमारी किशमिश भी लंबी तैयार होगी। इनमें जो छोटे साइज के और पके हुए अंगूर थे उन्हें हमने अलग कर दिया है। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। अंगूर को बॉईल करने के लिए हमने एक पतीले में 1 लीटर के लगभग पानी ले लिया है। पानी आप अपने अंदाजे से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, हमें उतना पानी लेना है जिससे अंगूर प्रॉपरली बॉईल हो जाएं। पानी गर्म हो गया है, ये बॉईल होने नहीं लगा है, तो इस स्टेज पर हम इसमें अंगूर डाल देंगे। अंगूर को हमें 4 से 5 मिनट तक बॉईल करना है और जब सारे अंगूर पानी के लेवल तक आ जाएं और कुछ अंगूरों में क्रैक्स नज़र आने लगे तब हमें इन्हें पानी से बाहर निकाल लेना है। 5 मिनट बॉईल करने के बाद ये आप देख सकते हैं अंगूर पानी के लेवल तक आ गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इन्हें पानी से बाहर निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं अंगूर प्रॉपरली बॉईल हो गए हैं और बॉईल होने के बाद कुछ अंगूर के पीसेस में आपको इस तरह से क्रैक्स भी नज़र आ सकती हैं। अंगूर को पानी से निकालकर अब हमें इसे सुखाना है। इसके लिए हमने एक ट्रे ले ली है, आप चाहें तो प्लेट भी ले सकते हैं। प्लेट या ट्रे पर कपड़ा लगाकर उस पर हम अंगूर को सुखा देंगे। ट्रे पर कपड़ा लगाकर उस पर हम अंगूर को फैला रहे हैं। अंगूर को हमें अलग अलग और दूर दूर सुखाना है जिससे वो प्रॉपरली सूख पाएं। और कपड़ा यूज़ करने का हमारा पर्पज़ ये है जिससे अंगूर में जो भी मॉइस्चर होगा वो कपड़ा सोख लेगा। इसी कपड़े को यूज़ करते हुए हम अंगूर को ऊपर से भी हल्के हाथों से पोंछ लेंगे जिससे कि अंगूर थोड़े ड्राई हो जाएँ। अब हम इसे 1 से 2 दिन तक धूप में सूखने के लिए रख देंगे या तब तक सुखाएंगे जब तक इसमें से मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। अंगूर को 2 दिन सुखाने के बाद ये हमारी किशमिश बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी किशमिश। किशमिश को स्टोर करने के लिए इसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो सकती है। सूखने के बाद आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। किशमिश बनाने के लिए हमने 400 ग्राम अंगूर लिए थे और जब किशमिश बनकर रेडी है तो इसका वेट 200 ग्राम के लगभग रह गया है। पानी और मॉइस्चर पूरी तरह से सूखने के बाद इसका वेट आधे से भी कम रह गया है। ये हमारी होममेड किशमिश बिल्कुल रेडी है, जिसे बनाने में हमें हार्डली 10 से 15 मिनट लगे। इसे सूखने में 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। हर जगह का वेदर अलग होता है, इसलिए वेदर पर डिपेंड करेगा कि ये 1 दिन में सूखती है या 2-3 दिन में। घर पर किशमिश बनाने का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही आगे आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।